मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल फाइन। आज हम करेंगे बिगर एंड स्मॉलर नंबर्स। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है बिगर नंबर एंड स्मॉलर नंबर। बिगर को हम ग्रेटर भी कहते हैं। तो हम आज बिगर नंबर एंड स्मॉलर नंबर या ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर उसका कॉन्सेप्ट करेंगे। तो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। चिल्ड्रन, टेक आउट योर ब्लू सनशाइन बुक। ये कॉन्सेप्ट है बिगर एंड स्मॉलर नंबर्स, मतलब बड़ा नंबर और छोटा नंबर। बड़ा नंबर मतलब ज्यादा और छोटा नंबर मतलब कम। तो जो ज्यादा होता है वो हमेशा बड़ा नंबर होता है और जो कम होता है वो हमेशा छोटा नंबर होता है। तो ये क्या है? कार्स। कितनी कार्स है काउंट करें? 1, 2, 3, 4 and 5। कितनी कार्स है? 5। और यहाँ पे कितनी कार्स है? 1, 2, 3 and 4। तो 4 कार्स है यहाँ पे। तो 5 कार्स आर मोर, इसलिए 5 इज अ बिगर नंबर। 4 कार्स आर लेस, इसलिए 4 इज अ स्मॉलर नंबर। 5 से 4 छोटा है इसलिए वो स्मॉलर नंबर है और जो ज्यादा है वो बिगर नंबर है। तो बच्चों, नाउ वी विल डू द रिलेटेड एक्सरसाइज। लेट्स रीड। काउंट एंड राइट द नंबर्स। यहाँ पे सर्कल में कितने नंबर के ऑब्जेक्ट्स है वो हम लिखेंगे और यहाँ पे स्क्वायर है वहाँ पे जो बिगर नंबर है वो साइड टिक करेंगे। ओके, सो लेट्स काउंट द पेंसिल्स। 1, 2, 3 and 4। कितनी पेंसिल्स है? 4। देर आर 4 पेंसिल्स। और यहाँ पे बुक्स कितनी है? 1, 2 and 3। 3 बुक्स है तो यहाँ सर्कल में लिखेंगे नंबर 3। सो नाउ चिल्ड्रन, 4 पेंसिल्स आर मोर और 3 बुक्स आर मोर, कौन सा ज्यादा है? 4 पेंसिल्स, सो 4 इज अ बिगर नंबर और 3 छोटा नंबर है 4 से। तो हम बड़े नंबर के बाजू में टिक करेंगे। तो ये 4 लिखा है वो साइड पे हम टिक करेंगे राइट। वैसे ही वी विल बी काउंटिंग द काइट्स। 1, 2, 3 and 4। देर आर 4 काइट्स, सो वी विल राइट नंबर 4 ओवर हियर। एंड हाउ मेनी बलून्स आर देर? 1, 2, 3, 4 and 5। सो वी विल बी राइटिंग नंबर 5 इन द सर्कल हियर। नाउ चिल्ड्रन, काइट्स आर मोर और बलून्स आर मोर। काइट्स कितनी है? 4। और बलून्स कितने हैं? 5। तो हम टिक कहाँ पे करेंगे? कौन सा नंबर बड़ा है, 4 या 5? 5 ज्यादा है इसलिए 5 नंबर बड़ा है। 4 नंबर 5 से कम है इसलिए 4 नंबर छोटा है। सो चिल्ड्रन, टेक हियर।
सो नाउ वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। अरे वाह, ये तो कलरिंग की एक्सरसाइज है। आप सबको कलर करना अच्छा लगता है ना? तो चलो कलर बॉक्स लेके रेडी हो जाएंगे और ऊपर डेट और CW लिख लेंगे। नाउ लेट्स रीड। कलर द फ्लावर विद द स्मॉलर नंबर इन ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप में जो छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर, उसे हमें कलर करना है। तो बच्चों, ये फ्लावर में कौन सा नंबर है? 1। और ये फ्लावर में कौन सा नंबर है? 4। तो छोटा नंबर कौन सा हुआ? विच इज द स्मॉलर नंबर? 1 और 4। 1 नंबर। सो चिल्ड्रन, वी विल बी कलरिंग द फ्लावर विथ 1 नंबर। तो आप अपना मनपसंद कलर निकालो और मैडम अपना मनपसंद कलर निकालेंगे और कलरिंग शुरू करेंगे। ओके, अच्छे से कलर करना है और बाहर नहीं निकालना है। ओके, सो कंप्लीट द फ्लावर विथ योर फेवरेट कलर। आगे देखेंगे कौन सा नंबर है। नंबर 8 एंड नंबर 2। तो 8 बड़ा नंबर है कि छोटा नंबर है? 8 इज अ बिगर नंबर एंड 2 इज अ स्मॉलर नंबर। तो इसमें आप कौन से फ्लावर को कलर करेंगे? ये फ्लावर विथ 2 नंबर आप यहाँ पे कलर करेंगे और ये फ्लावर पूरा अच्छे से कलर करना। एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट फ्लावर। ये है नंबर 5 एंड ये है नंबर 3। इसमें से स्मॉलर नंबर कौन सा है? नंबर 3, क्योंकि ये कम है, 5 नंबर ज्यादा है इसलिए बड़ा है। तो वी विल बी कलरिंग फ्लावर विथ नंबर 3। ये फ्लावर को आप अच्छे से कलर कर देना। ओके, नाउ चिल्ड्रन, we will be doing exercise from our yellow book. तो चलो आप लोग अपनी येलो एक्टिविटी मैथ्स की बुक निकाल दो। चिल्ड्रन, टेक आउट योर येलो एक्टिविटी बुक एंड ओपन टू पेज नंबर 3030. Now let's read. Circle the smaller number. So we have to see which is the smaller number and then circle accordingly. Okay, so let's start. ये जो number है वो है number 2 और ये है नंबर 5। तो इसमें से स्मॉलर नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है? सो 2 इज अ स्मॉलर नंबर। सो लेट्स सर्कल नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पे है नंबर 9 एंड नंबर 7। ये दोनों नंबर में से छोटा नंबर, स्मॉलर नंबर कौन सा है? यस, नंबर 7 इज अ
smaller number. Next number is 4 and 2. तो ये दोनों में से छोटा है नंबर 2. Now the next number is 3 और दूसरा नंबर है 8. ये दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? Yes, smaller number is 3. So let's circle number 3. Next है 1, 0, 10 and number 6. ये दोनों में से कौन सा छोटा है? Yes, number 6 is a smaller number. Now let's see the next number. Number 1 and number 4. Which is a smaller number? Number 1. So let's circle number 1. Now next number is 5 and 3. कौन से दो numbers है? 5 and 3. ये दोनों में से छोटा number कौन सा है smaller number? Yes, number 3. और फिर next example में number 3 and 1, 0, 10 दिया है. तो हम circle करेंगे smaller number 3 पे. और अब है 6 and 5. Which is a smaller number? Yes, 5 is a smaller number. और फिर देखते हैं last example में कौन सा है number 2 and number 8. So which is a smaller number? Number 2. Now we move to the exercise of greater number. Circle the greater number. यहाँ पे हमें क्या करना है? Greater number मतलब बड़ा number को circle करना है. Okay? 1 and 5. Which is a greater number? Yes, 5 is a greater number. Bigger number भी कहते हैं उसे. Next है 4 and 9. तो हम सर्कल करेंगे 9 पे. नेक्स्ट है 7 and 10. 1, 0, 10. तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? यस, 1, 0, 10 इज अ ग्रेटर नंबर. फिर है नंबर 5 and 4. विच इज अ ग्रेटर नंबर? नंबर 5. तो हम सर्कल करेंगे 5 पे. नेक्स्ट है 6 and 2. विच इज अ ग्रेटर नंबर? नंबर 6. आप सब लोग मैडम के साथ सर्कल कर रहे हो ना? वेरी गुड. नाउ लेट्स सी नंबर 4 और नंबर 2 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर कौन सा है? यस, नंबर 4 इज अ ग्रेटर नंबर. फिर है नंबर 3 एंड नंबर 6. विच इज अ ग्रेटर नंबर? यस, नंबर 6 इज अ ग्रेटर नंबर. ग्रेटर नंबर को हम बिगर नंबर भी कहते हैं. नाउ नंबर 4 and 9. Which is a greater number? Yes, number 9. Next है 1, 0, 10 and 8. So हम circle करेंगे 1, 0, 10 पे. और last example है number 1 and 3. कौन सा है greater number? Number 3. तो हमने
स्मॉलर नंबर किए और ग्रेटर नंबर या बिगर नंबर, दोनों की एक्सरसाइज खत्म की। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पेज। नाउ हियर लेट्स रीड सॉर्टिंग सेट्स, मतलब हमें कुछ पिक्चर्स सेट्स में दिए हैं, उसको हमें देख के काउंट करके यहाँ पे लिखना है। सॉर्टिंग सेट्स, काउंट एंड राइट द नंबर इन द बॉक्स। हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं और वो पिक्चर्स को देख के हमें काउंट करना है कितने ऑब्जेक्ट्स है, वैसे हमें यहाँ तक पूरा करना है। ओके, सो चलो फर्स्ट सेट देखते हैं। उसमें है अम्ब्रेला, एप्पल और ये है आइसक्रीम। तो चलो काउंट करते हैं कितने अम्ब्रेलाज है। 1, 2, 3, 4 and 5 How many umbrellas are there? 5 1, 2, 3, 4 and 5 ये सेट में 5 umbrellas है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 Now let's count कि apples कितने हैं। 1, 2 and 3 कितने एप्पल्स है यहाँ पे? 3 एप्पल्स। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। नाउ लेट्स काउंट द आइसक्रीम्स। ये जो ग्लास है उसमें क्या है? आइसक्रीम एंड सम फ्रूट्स। चलो काउंट करते हैं 1, 2 and 3 Now let's write 3 over here. वैसे हमें दूसरा एग्जाम्पल दिया है, देखो कितनी टॉय कार्स है ना, तो उसको हमें सेट बना के काउंट करके यहाँ लिखना है। चलो let's start counting. ये है, हमको पहले येलो कार करनी है काउंट। ओके, देखो यहाँ पे जिसमें येलो कलर है हम पहले वही कार्स काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 How many cars are there? 5 येलो कलर का यहाँ पे है, उसमें हम 5 लिखेंगे क्योंकि वो 5 है। और फिर यहाँ पे जो ग्रीन कार्स है ये वाली, वो काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 and 6 6 कार्स ग्रीन वाली है, तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर 6। और अब ये रेड वाली कार कितनी है? 1, 2, 3 and 4 कितनी कार्स है? 1, 2, 3 and 4 यहाँ लिखेंगे हम 4। सिमिलरली नेक्स्ट सेट में क्या है? टेडी बेयर, बॉल और कैप। तो हम देखेंगे कि वो सेट में कितने हैं, कितने टेडी बेयर्स हैं, कितने बॉल्स हैं और कितनी कैप्स है। तो पहले ये टेडी बेयर काउंट करते हैं। 1, 2 and 3 How many teddy bears are there? 3 Now let's count the number of balls. 1, 2,
3, 4 and 5. How many balls are there? 5. And now let's count the number of caps. 1 and 2. Kitni caps hai? 1 and 2. So let's write number 2. Okay? Now let's move to the next set. उसमें क्या है? हमें क्लॉक गिननी है, टॉप गिनना है और टेलीफोन गिनना है. ओके, ये सेट में क्या क्या है? क्लॉक, टॉप एंड टेलीफोन. नाउ लेट्स काउंट द नंबर ऑफ क्लॉक्स. 1, 2, 3 and 4. How many clocks are there? 4. So let's write number 4 here. Now let's count the number of tops. 1, 2 and 3. How many tops are there? 3. और उसके बाद हम count करेंगे टेलीफोन. कितने टेलीफोन्स हैं? 1, 2 and 3. सो वी विल राइट नंबर 3 हियर. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट सेट. उसमें क्या है? शार्पनर्स. कौन से कलर के हैं? रेड कलर, ग्रीन कलर एंड येलो कलर. तो चलो हम देखते हैं रेड कलर के शार्पनर्स कितने हैं. 1, 2 and 3. चलो कट करके काउंट करें. 1, 2, 3. हाउ मेनी रेड शार्पनर्स आर देयर? 3. नाउ लेट्स काउंट द ग्रीन वन. 1, 2, 3, 4 and 5. कितने हैं ग्रीन शार्पनर्स? 5. एंड येलो शार्पनर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. कितने हैं? 6. तो येलो शार्पनर के बाजू में हम देखेंगे नंबर 6. ओके चिल्ड्रन, बाय चिल्ड्रन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.